हे गाइस, दिस इज नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज करियर कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जो लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा और जो फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना क्वेश्चन और सजेशन मुझे कॉमेंट बॉक्स में मेल पे सेंड कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी एंड सुरक्षा जो है ये बहुत ही अहम एंड इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस वजह से हमेशा सिक्योरिटी एंड सुरक्षा के लिए एक अच्छी क्वालिटी एंड अच्छे हेल्दी एंड अच्छे पर्सनालिटी की लोगों को सिलेक्ट किया जाता है पुलिस में, आर्मी में। और दुबई में पुलिस आर्मी को छोड़ के भी एक थर्ड लेवल का पुलिस फोर्स माना जाता है, वो है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल दोस्तों, दुबई में या यूएई में सिक्योरिटी गार्ड को सेकंड पुलिस माना जाता है। तो दुबई या यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड अगर आप जॉब करना चाहते हो, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या प्रोसेस है, कौन सी लाइसेंस आपको लेना चाहिए, कितना खर्चा होता है, पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियोस को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। यूएई एंड दुबई का जो सिक्योरिटी गार्ड्स होता है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा एंड ग्लैमरस प्रोफेशन होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब होता है मोस्टली हम अपने कंट्री में देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जिस तरह की होता है उस तरह का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है और रिस्पेक्ट है, अच्छे सैलरीज है और बेनिफिट्स है, और आपको जॉब बहुत अच्छा से फील होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और आपको अच्छी यूनिफॉर्म के साथ आप ड्यूटी करोगे, आपको भी अच्छा फील होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हो। दुबई सिक्योरिटी गार्ड में मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई दोस्तों। सो सबसे पहले दोस्तों कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए दोस्तों। दुबई में सिक्योरिटी जॉब के लिए कोई हाईली डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है इसमें कोई रॉकेट साइंस जानने वाला जॉब नहीं है। इसके लिए जो मेन एंड मेजर क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है फिजिकली फिट एंड हेल्दी। अगर आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, आपका हाइट मिनिमम 5.5 फीट है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो दोस्तों यूएई में या दुबई में सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए। एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात किया जाए दोस्तों, तो अगर आप 10th पास हो, अगर नहीं भी हो, आपके पास ECR एंड ECNR कोई भी पासपोर्ट है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो तो आप डायरेक्टली पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो जिस वजह से हर कंट्री के लोग यहाँ पे है, तो आप सर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको मिनिमम जो बेसिक इंग्लिश है वो पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, दुबई में या यूएई में अगर आप जॉब करना चाहते हो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए आपके पास कोई एक लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो DPS का लाइसेंस हो या सिरा का लाइसेंस हो। बिल्कुल दोस्तों, विदाउट लाइसेंस आपको कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी में आपको जॉब नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको जॉब करना है तो आपको पहले अपना लाइसेंस बनाना होगा, चाहे वो DPS का हो चाहे वो सिरा का हो। तो ये लाइसेंस कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा बाद में। तो ये हो गया दोस्तों एलिजिबिलिटी। एंड एज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो अगर आपकी उम्र 21 से 50 के अंदर है तो आप डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अपनी कंट्री में एक्स आर्मी या BSF या कोई दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको बहुत अच्छा एंड स्पेशल प्रेफरेंस भी मिल जाएंगे दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए। अगर आपके पास सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप अपने कंट्री में कोई रेपुटेटेड सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में जॉब कर चुके हो, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दुबई या यूएई में अगर आपने DPS या फिर सिरा का लाइसेंस बना लिया और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मेल फीमेल दोनों को ही अपॉर्चुनिटीज है, तो यहाँ पे मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई ऑल्सो। तो आप सोच नहीं सकते हो, हमारी कंट्री में लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्री में सिक्योरिटी गार्ड का क्या सैलरी होता है, क्या फैसिलिटीज होता है, क्या लाइफस्टाइल होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप दुबई के बारे में या यूएई के बारे में सोचोगे तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अच्छा है, आपका सैलरी भी अच्छा है, आपके बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज भी अच्छे है दोस्तों। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, आपका जो लॉन्ड्री फैसिलिटीज रहेंगे, क्योंकि आपका जो यूनिफॉर्म्स होगा, आपका अच्छा यूनिफॉर्म भी होता है, और वो यूनिफॉर्म आपको ड्यूटी के बाद लॉन्ड्री में देना है, और बाद में आपको वो डिलीवरी भी हो जाता है, तो लॉन्ड्री फैसिलिटीज है। और इसके साथ आपका ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होता है कंपनी की तरफ से। एंड आपका सैलरी पैकेजेस दोस्तों, बिल्कुल आपका सैलरी
3 से 3,500 के अंदर होता है, तो आप समझ सकते हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना अच्छा है। और सैलरी के साथ साथ बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी बहुत अच्छे। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड को बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो आपका जॉब कभी बोर फील नहीं होगा, आपको अपनी जॉब पे कभी गिल्ट फील नहीं होगा, आप बहुत ही रेस्पेक्टफुली जॉब कर सकते हो दोस्तों दुबई एंड यूएई के अंदर। तो दोस्तों कैसे सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, दोस्तों अगर आप दुबई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दुबई में आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिल सकता है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड में, क्योंकि अगर आपको दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो आपको पहले डीपीएस या फिर सिरा की लाइसेंस डेफिनेटली लेना होगा। तो इसके लिए अगर आप दुबई में फिजिकली प्रेजेंट हो विजिट वीजा पे या एम्प्लॉयमेंट वीजा पे, डजंट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप विजिट वीजा में हो तो भी आप डीपीएस या फिर सिरा की लाइसेंस बना सकते हो, ये बहुत ही एडवांटेज है दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप डीपीएस या फिर सिरा की लाइसेंस लेते हो तो आप सिर्फ दुबई के अंदर ही जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप अबुधाबी, आजमान, रसल खेमा, किसी दूसरे एमिरेट्स में जॉब करना चाहते हो तो वहां पे आपको डिफरेंट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आपको एक दूसरा बेनिफिट्स है कि दुबई को छोड़ के अगर आप किसी भी एमिरेट्स में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप विदाउट लाइसेंस आके जॉब ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद कंपनी की तरफ से आपका लाइसेंस बनवाया दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बेनिफिट है दोस्तों। अबुधाबी, शारजा या फिर रसल खेमा या फिर आजमान में अगर आप चाहते हो तो वहां पे आपको विदाउट लाइसेंस जॉब मिले जाएंगे, और जॉब मिलने के बाद आप लाइसेंस बना सकते हो, लेकिन जो आप दुबई में नहीं कर सकते। तो इसके बाद सवाल आता है दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप कैसे जॉब मिल सकते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है हर एक प्रोजेक्ट में, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, रिजॉर्ट हो, बैंक हो, शॉपिंग मॉल हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, ऑफिसेस हो, हर एक जगह पे बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होता है, जिस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की कोई कमी नहीं है दोस्तों। अगर आप दुबई में फिजिकली प्रेजेंट हो तो आप फिजिकली विजिट कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज है वहां पे आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दुबई में या पूरा यूएई में बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, वहां पे जाके आप पर्सनली मिलके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप अपने कंट्री से जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो इंडिया में मोस्टली बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आता है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो आप इंडिया से डायरेक्टली कोई कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। पूरा यूएई में जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वहां पे आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाके करियर सेक्शन में आप अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप मेल भी कर सकते हो। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे ईमेल पे या कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो गाइस आज की वीडियोस में बस इतना ही, बहुत चल मिलते हैं दूसरे कोई वीडियोस में दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।